बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा तेनसिंग ग्यात्सो को 28 वर्ष पूर्व 10 दिसंबर 1989 को विश्व शांति के लिए सम्मानित किया गया था। इसको लेकर भागलपुर के संडिस कंपाउंड स्थित लिबास मार्केट में ऊनी कपड़ों की दुकान लगाने वाले तिब्बती शरणार्थियों ने अपने धर्म गुरु के सम्मान में जश्न मनाया। तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु का जन्म उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकस्तेर क्षेत्र में रहने वाले ओमान परिवार में हुआ था। 10 दिसंबर 1989 को दलाई लामा को विश्व में शांति के लिए काम करने पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही तिब्बती शरणार्थी को भारत में आए 60 वर्ष हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में इन लोगों ने अपनी दुकानों को बंद कर खुशी मनाते हुए सभी लोगों के बीच मिठाइयां बांटी। इसके साथ ही लोगों को भोजन भी कराया। इस अवसर पर नागरिक सेवा समिति का अध्यक्ष रिजवान खान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है जिस पर चीन ने अपने जुर्म की ताकत से कब्जा कर लिया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से तिब्बत को चीन के कब्जे से मुक्त करने के लिए नाटो सेना से कार्रवाई करने की मांग की। इस आयोजन में भारत तिब्बत मैत्री संघ भी सम्मिलित हुआ। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से सोनू की रिपोर्ट। यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आज के दिन हमारे गुरु दलाई लामा जी को 1989 में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार का पुरस्कार मिला था। उसके उपलक्ष्य में हम लोग हर साल ये समारोह मनाते हैं, इसीलिए आज हम लोग और आज के दिन मानव अधिकार दिवस भी है। और हम लोग भारत में शरणार्थी होके आए हुए 60 वर्ष हुए हैं, इसलिए हम लोग आज थैंक यू इंडिया भी मना रहे हैं और सभी को अपने तरफ से जितना हो सके सबको मिठाई बांट के थैंक यू इंडिया मना रहे हैं। गुरु दलाई लामा की हम लोग 29वीं जो पुरस्कार उसको विश्व शांति के लिए मिलाया गया था उसकी खुशी मना रहे हैं। साथ ही आज 60 वर्ष हो गया तिब्बती शरणार्थी को भारत में आए हुए, इस उपलक्ष्य में हमारे सभी तिब्बती भाई हम लोग जो है दलाई लामा को पुरस्कार मिलने की खुशी और 60 वर्ष जो भारत में मैत्री के साथ हम लोग भारतीयों ने जो सम्मान दिया मेहमान के तरह उनकी खुशी के फ्रेंडशिप मना रहे हैं। आज मानवाधिकार दिवस भी है और हम लोग मांग करते हैं कि जो चीन ने जो है ज़बरदस्ती तिब्बत पर कब्जा किया है उसको जो है जल्द तिब्बत को जो है आज़ाद करे ताकि ये लोग अपने घर में अपने जो देश में रह सकें। उन्होंने दलाई लामा ने 60 से ज़्यादा उनको पूरी दुनिया में जो है पुरस्कार शांति के लिए मिला और वो पूरी जीवन जो है शांति के लिए काम करते रहे। और हम लोग जो भारतीय जो हैं जो हम लोग मेहमान हैं हमारे तिब्बती भाई उनको हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं हो जाता चीन से तब तक हम ये हमारे मेहमान रहेंगे और हम उनके साथ जो है आज़ादी की लड़ाई को शांतिपूर्वक लड़ते रहेंगे। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।